मूवी की शुरुआत 1958 फ्रांस से होती है और हम एक जर्मन ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी फ्रेंच गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था। जब ये लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तभी रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ पड़ा था। जब ड्राइवर उस पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है तभी उसे एक गोली आकर के लगती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इस जर्मन ऑफिसर और उसकी गर्लफ्रेंड पर भी गोलियों की बरसात हो जाती है। ये देख कर कि वह जर्मन ऑफिसर गाड़ी से नीचे उतर करके भागने लगता है, उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम मैरी है वह उससे कहती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ करके मत जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अपनी जान बचा करके भाग जाता है। इसके बाद गोलियां चलाने वाले लोग जब गाड़ी के पास आते हैं तो उन्हें गाड़ी में एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारा गोल्ड भरा हुआ था। इतना सारा सोना देख करके इन सब की आंखें बाहर आ गई थी। तभी अचानक से इन पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है और एक एक करके ये सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जर्मन ऑफिसर था। इन लोगों को मारने के बाद वह गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब वह अपनी गर्लफ्रेंड मैरी और सारा गोल्ड लेकर के पैदल ही निकल पड़ता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूरोप के कई देशों में जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ रहा था। जीत के बाद यूरोपियन लोग उन औरतों से नफरत करने लगे थे जो नाजियों से करीब थी। उन औरतों को गंजा करके उनके माथे पर ड्रो करके उनकी बेइज्जती की जा रही थी। इन्हीं औरतों में उस जर्मन ऑफिसर की गर्लफ्रेंड मैरी भी थी, उसके भी माथे पर ड्रो करके उसके सिर को गंजा किया जा रहा था। और अब अमेरिका भी जर्मनी के खिलाफ इस वॉर में कूद चुका था। इसके बाद हम 4 अमेरिकी सैनिकों को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। इन लोगों ने अपनी गाड़ी में एक ऐसे शख्स को बैठा रखा था जिसका चेहरा ढका हुआ था। थोड़ी ही देर में यह अमेरिकी सैनिक एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम कब्रिस्तान के गार्ड जॉर्ज को देखते हैं जिसके पास सर्जन आकर के कहता है कि हम वन ब्रुकनर नाम के एक जर्मन की कब्र को देखना चाहते हैं। तब जॉर्ज उन्हें बताता है कि इस कब्रिस्तान में कोई भी जर्मन दफन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यह लोग जिसके चेहरे को ढक के लाए थे वो कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। यह लोग कब्रिस्तान के चौकीदार जॉर्ज को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और मैरी को लेकर के उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। ये लोग जॉर्ज को एक झोपड़ी जैसी जगह पर बैठा देते हैं और एक अमेरिकी सोल्जर इस पर नजर रखने के लिए यहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद अमेरिकी सार्जेंट मैरी को धमकी देते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो इन कब्रों के बीच में एक कब्र तुम्हारी भी बना दी जाएगी। इसके बाद वह मैरी से पूछता है कि सच बता कि वन ब्रुकनर की कब्र कहाँ है। तब मैरी उन्हें कहती है कि मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। दरअसल वन ब्रुकनर वही जर्मन ऑफिसर था जो इस मैरी का बॉयफ्रेंड था और मैरी ने पकड़े जाने पर अमेरिकन को बताया था कि वह सारा सोना उसकी कब्र में मौजूद है जिसमें वन ब्रुकनर को दफनाया गया था। और ये 4 अमेरिकन सोल्जर मैरी को लेकर के यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि वन ब्रुकनर की कब्र को ढूंढ कर उसमें से सोना निकाल सके। इसके बाद सार्जेंट मैरी के हाथों को खोल देता है और कहता है कि अब अच्छी तरह से याद करो कि वन ब्रुकनर की कब्र कहाँ है। मैरी कब्रिस्तान के चारों तरफ देख करके कहती है कि यह काफी बदल चुका है और यहाँ पर बहुत सारी नई कब्र भी बन चुकी है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर बाद वह ऐसे ही किसी कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि शायद यह हो सकती है। तब ये 4 अमेरिकन सोल्जर उस कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। जब यह पूरी कब्र को खोद देते हैं तब इन्हें उसमें कंकाल तो मिलता है लेकिन सोना कहीं भी नजर नहीं आता। इसके बाद यह मैरी दूसरी कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि शायद यह ब्रुकनर की कब्र हो सकती है। तभी अमेरिकन सोल्जर उस कब्र को भी खोदना शुरू कर देते हैं। वहीं इनका एक सोल्जर कब्रिस्तान के चौकीदार जॉर्ज के पास बैठा हुआ था, तभी अचानक से उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है और चाकू मार मार करके उसे जान से मार देता है। यह देख करके जॉर्ज घबरा जाता है और उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने यह क्या कर दिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैरी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। अमेरिकन सोल्जर सोना ढूंढने के लिए उसे यहाँ पर लेकर के आए हैं। उसने 3 साल पहले उस सोने को एक कब्र में छुपा दिया था। इसके बाद हम उस आदमी के चेहरे को देखते हैं जिसने इस अमेरिकन का काम तमाम किया है। दरअसल यह उस मैरी का फ्रेंच एक्स बॉयफ्रेंड था। उधर उन अमेरिकन सोल्जर्स को दूसरी कब्र खोदने के बाद भी गोल्ड नहीं मिलता। यह मैरी उन्हें बताती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सही कब्र का पता लग जाए। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह एक और कब्र की तरफ इशारा करती है। अब इन 3 अमेरिकन सोल्जर में एक अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम जेरी था, उसे डाउट होने लगता है कि यह मैरी हमें बेवकूफ बना रही है, लेकिन सार्जेंट के कहने पर वो कब्र खोदना शुरू कर देता है। उधर हम इस मैरी के एक्स बॉयफ्रेंड क्लेमेंट को देखते हैं जिसने उस मरे हुए अमेरिकन सोल्जर के कपड़े पहन लिए थे। जॉर्ज उसे गन भी दे देता है।
दरअसल क्लेमेंट अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को इन अमेरिकन से बचाना चाहता था। इधर ये अमेरिकन तीसरी कब्र भी खोद देते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी गोल्ड नहीं मिलता। इससे जेरी का दिमाग खराब हो जाता है और वह इस मैरी पर गुस्सा करने लगता है। तभी यह सभी लोग देखते हैं कि वह अमेरिकन सोल्जर इन्हीं की तरफ आ रहा है, जिसे जॉर्ज पर नजर रखने के लिए बैठाया गया था। वह अचानक से एक पेड़ के पास आकर के रुक जाता है। यह देख करके इन तीनों में से एक अमेरिकन सोल्जर उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है। उसे अपने पास आता हुआ देख करके यह सोल्जर उसे गोली मार देता है। देखते ही देखते दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। मैरी जब अपने आशिक क्लेमेंट को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो समझ जाती है कि क्लेमेंट उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया है। यहाँ पर इनके बीच में घमासान लड़ाई होती है। जॉर्ज भी ग्रेनेड फटने की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। यह अमेरिकन इतनी भारी गोलीबारी करते हैं कि क्लेमेंट इनका मुकाबला नहीं कर पाता और अचानक से जमीन में कहीं गायब हो जाता है। दरअसल वह जमीन में बनाई हुई एक सुरंग के अंदर चला गया था। अब यहाँ पर अमेरिकन सार्जेंट मैरी पर डाउट करने लगता है कि शायद इसी ने उसे यहाँ पर बुलाया होगा। वो मैरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन वह इसे जान से नहीं मार सकता था क्योंकि उसे गोल्ड चाहिए था। उधर हम जॉर्ज को देखते हैं, जिसका ग्रेनेड की वजह से एक हाथ टूट चुका था, लेकिन वह अपने दूसरे हाथ से गन उठा लेता है और उसी अमेरिकन पर गोली चलाता है जिसे गोली लग चुकी थी। तभी सार्जेंट जॉर्ज को भी गोली मार देता है। वह अमेरिकन सोल्जर भी मर चुका था जिसे जॉर्ज ने गोली मारी थी। अपने साथी की मौत से जेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह एक चाकू लेकर के मैरी को मारने के लिए जाता है, लेकिन सार्जेंट जब उसे समझाता है तब वह मैरी को छोड़ देता है। इसके बाद ये मैरी को एक जगह पर बांध देते हैं और उस सुरंग में क्लेमेंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यह अमेरिकन उस सुरंग में ग्रेनेड फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी क्लेमेंट को कुछ नहीं होता। इसके बाद यह लोग सोने के लालच में एक के बाद एक कई कब्रों को खोद देते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी सोना नहीं मिलता। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और मैरी को वो पल याद आते हैं जब वह ब्रुकनर के साथ थी। ब्रुकनर ने मैरी को बताया था कि उसने यह सोना बर्लिन के चांसलर से चुराया था और जब वॉर खत्म हो जाएगा तब वो इस सोने को कैश में कन्वर्ट करवा लेगा। उसके बाद ये दोनों कहीं जाकर के सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। मैरी ब्रुकनर को आइडिया देती है कि जब तक सही वक्त नहीं आ जाता तब तक हम इस सोने को एक कब्रिस्तान में छुपा देंगे। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर हम जेरी को देखते हैं, जिसने अपने मरे हुए दोनों साथियों को गाड़ी में रख दिया था। तभी जेरी को एक फोन पर मैसेज मिलता है कि एक जर्मन बटालियन इसी तरफ आ रही है। अब यहाँ से कहानी दो दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम दो जर्मन ऑफिसर को देखते हैं जो भागने का प्लान बना रहे थे। दरअसल जर्मन हर जगह से हार रहा था और ये सभी जर्मन सोल्जर यहाँ से भाग करके इटली जाना चाहते हैं। इन्हीं दो ऑफिसर में हम वन ब्रुकनर को देखते हैं, जिसकी कब्र को वो चार अमेरिकन उस कब्रिस्तान में ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन वन ब्रुकनर तो यहाँ पर जिंदा बैठा हुआ था। दरअसल ब्रुकनर यहाँ से भागने से पहले मैरी से भी मिलना चाहता था, ताकि वो मैरी से अपना छुपाया हुआ गोल्ड ले सके। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर इन अमेरिकन सोल्जर को पता चल चुका था कि जर्मन बटालियन इसी तरफ आ रही है, इसीलिए यह अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म करके यहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन मैरी तो इन्हें सच्चाई बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसके बाद सार्जेंट मैरी के सर पर एक खोपड़ी रखता है और निशाना लगा करके उसे उड़ा देता है। फिर एक और खोपड़ी रखता है और दूर जाकर के उसे भी शूट कर देता है। इसके बाद तीसरी खोपड़ी रखता है और उसे शूट करने के लिए ज्यादा दूर जाकर के निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना सही नहीं लग रहा था। ये देख करके मैरी की हालत खराब होने लगती है कि कहीं यह मैरी खोपड़ी ना उड़ा दे। तब वो सार्जेंट को बताने लगती है कि 3 साल पहले क्या हुआ था। मैरी उसे कहती है कि वन ब्रुकनर को मैंने ही सोना छुपाने का आइडिया दिया था और मैंने सीक्रेट मैसेज भेज करके किसी को बताया था कि हम आज उस सोने को छुपाने वाले हैं। इसके बाद मैं और ब्रुकनर उस सोने को छुपाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। तभी वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर के हमला कर दिया था। दरअसल वह सभी लोग मैरी के ही साथी थे, लेकिन वह सभी ब्रुकनर के हाथों से मारे गए। इसके बाद आधी रात को मैरी और ब्रुकनर कब्रिस्तान में पहुँचते हैं। दरअसल मैरी की प्लानिंग थी कि जब यह कब्रिस्तान में सोना लेकर के पहुँचे तो उसके साथी यहाँ पर पहले से ही मौजूद होंगे, और मैरी के साथियों में उसका एक्स बॉयफ्रेंड क्लेमेंट भी शामिल था। ये सभी लोग मिलकर के ब्रुकनर को इसी कब्रिस्तान में खत्म करना चाहते थे और सोना भी यहीं पर किसी कब्र में छुपाने की प्लानिंग थी। लेकिन मैरी के आधे साथियों को तो ब्रुकनर ने रास्ते में ही मार दिया था और बाकी के साथी कहाँ है ये मैरी को भी नहीं मालूम। इसके बाद मैरी अकेली ही उस सोने को ले जाकर के कब्र में छुपा देती है और ब्रुकनर की गन लेकर के उसके फेस पर गोली मार देती है। इसके बाद वो ब्रुकनर और सारी चीजों को उस कब्र में डाल करके यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोली लगने के बाद भी ब्रुकनर अभी भी जिंदा था, लेकिन जैसे ही मैरी कब्रिस्तान से बाहर निकली उसे एसएस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उसे 3 साल जेल में रहना पड़ा।
लेकिन जब अमेरिकन को उस गोल्ड के बारे में पता चला तो वह मैरी को जेल से निकाल करके अपने साथ ले गए। यहाँ पर मैरी बताती है कि वन ब्रुकनर ने उसके माँ बाप पर बहुत जुल्म किया था और उन्हें भी मार दिया था। मैरी ने वो सोना उन्हीं की कब्रों में छुपा दिया था। तभी हम क्लेमेंट को देखते हैं जो उस सुरंग से बाहर निकल गया था। इसके बाद वो मैरी उन अमेरिकन को अपने माँ बाप की कब्र दिखाती है। जब वो उस कब्र को खोदते हैं तो उन्हें वह सारा सोना मिल जाता है, लेकिन इस कब्र में ब्रुकनर की लाश नहीं थी। तब मैरी इन्हें कहती है कि मैंने ब्रुकनर की लाश को भी इसी कब्र में डाला था, लेकिन जेरी को अभी भी इस मैरी पर डाउट हो रहा था कि जरूर ये कुछ ना कुछ अभी भी छुपा रही है। इसके बाद ये दोनों अमेरिकन यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि जर्मन बटालियन यहाँ तक पहुँचे, इससे पहले ही हम मैरी को मार देते हैं। तभी यहाँ पर क्लेमेंट आ जाता है और मैरी मौके का फायदा उठा करके गोल्ड लेकर के भागने लगती है। इधर क्लेमेंट और अमेरिकन के बीच में जबरदस्त फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। क्लेमेंट फायरिंग बंद करके उस मैरी का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। अब मैरी क्लेमेंट पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने 3 साल पहले मुझे अकेला छोड़ दिया था। क्लेमेंट भी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि इसमें सारी गलती जॉर्ज की थी। वो बताता है कि सारा प्लान जॉर्ज की वजह से फेल हुआ था। तभी यहाँ पर वह अमेरिकन आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। जेरी मैरी पर गन पॉइंट करके कहता है कि जर्मन बटालियन इस तरफ आ रही है तो तुम दोनों को हमारे साथ मिलकर के उनसे लड़ना होगा। तब क्लेमेंट भी उसकी बात मान लेता है। उधर हम वन ब्रुकनर को देखते हैं जो अपनी बटालियन को लेकर इनके बहुत करीब पहुंच चुका था और बस कुछ ही देर में कब्रिस्तान के अंदर एंटर करने ही वाला है। इधर ये चारों अपने सारे बॉम्ब ग्रेनेड और हथियारों को जमा करके प्लान बनाते हैं कि वन ब्रुकनर की बटालियन को कैसे खत्म करना है। अब जैसे ही वन ब्रुकनर अपनी बटालियन के साथ कब्रिस्तान में एंटर करता है, यह चारों उन पर बम और ग्रेनेड के धमाके करते हुए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक इनके बीच में घमासान गोलीबारी चलती है और बहुत सारे जर्मन मारे जाते हैं। वन ब्रुकनर जैसे ही इस मैरी को देखता है उसके पैर में गोली मार देता है। इसके बाद वो क्लेमेंट को भी गोलियां मार करके उसकी जान ले लेता है। इधर जेरी को भी एक जर्मन सोल्जर ने चाकू मार मार करके अधमरा कर दिया था। फिर ब्रुकनर उसे भी गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। अब इस पूरे कब्रिस्तान में सार्जेंट वो मैरी और ब्रुकनर जिंदा बचे हुए थे। यहाँ पर ब्रुकनर इन दोनों से कहता है कि क्यों ना हम तीनों गोल्ड बांट करके अपने अपने रास्ते निकल जाएं। यह बात सुनकर के तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी मैरी सार्जेंट पर गोली चला देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद मैरी और ब्रुकनर एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं जिससे यह दोनों जख्मी करके जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन मैरी चाकू से स्टेप करके ब्रुकनर को भी मार देती है। तभी हम अमेरिकन फाइटर को देखते हैं जो यहाँ पर बम गिराने वाले थे, क्योंकि सार्जेंट ने जर्मन के यहाँ पहुँचने से पहले ही हवाई हमलों का आर्डर दे दिया था। यह अमेरिकन फाइटर इस कब्रिस्तान में इतने बम गिराते हैं कि जिससे पूरे कब्रिस्तान की जमीन हिल जाती है, लेकिन मैरी किसी तरह से बच गई थी। वह उस गोल्ड से भरे हुए बैग को उठाती है और वापस उसी कब्र में रख देती है। इसके बाद मैरी यहाँ से चली जाती है। फिर दोबारा कभी भी लौट करके वह वापस इस कब्रिस्तान में नहीं आई। उसने पेरिस जाकर के एक आर्किटेक्ट से शादी कर ली और 1977 में वह इस दुनिया को छोड़कर के चली गई। इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।